टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। फाइनली टाइगर 3 का फर्स्ट लुक देखने को मिल गया है। अगर आप कहें कि फर्स्ट लुक देखने के बाद हमारा पहला रिएक्शन क्या है, तो मैं कहूंगा वाह। हेलो दोस्तों, मैं मासूम, आप देख रहे हैं रिव्यू विद मासूम रिजा। वैसे तो 1:43 का ये टीजर है, मगर आपका अटेंशन 20 सेकंड में ही ले लेगा। पहली झलक से ये लगा कि सल्लू भाई जिस हिट के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे थे, वह तलाश इस दिवाली में ख़त्म हो जाएगी। फोकट में सल्लू भाई किसी का भाई किसी की जान टाइप का टाइम पास कर रहे थे। सीधे उसको जाना था यशराज के ऑफिस में और कहना था कि टाइगर 3 बना दो, नोट छाप लेते हैं, क्योंकि क्लियर है टाइगर 3 से सलमान खान अपनी पिस्ट मूड ऑन कर लिया है। और इस टीज़र को यशराज फिल्म वालों ने टाइगर का मैसेज के नाम से लॉन्च किया है। ये नाम क्यों है, ये टीज़र देखते ही समझ में आ गया। टीज़र की शुरुआत होती है एक रिकॉर्डिंग के साथ, जिसमें टाइगर एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मेरा नाम अविनाश सिंह राठौड़ है, पर आप सबके लिए मैं टाइगर हूँ। 20 साल अपना सब कुछ इंडिया के हिफाजत के लिए लगा दिया, बदले में कुछ नहीं मांगा, पर आज मांग रहा हूँ। रंगे हाथों पकड़ा गया रॉ एजेंट टाइगर। आज आप सबको ये बताया जा रहा है कि टाइगर आपका दुश्मन है। इसे पता था कि हिंदुस्तान का नामचीन रॉ एजेंट टाइगर गद्दार है, एक दिन गद्दार साबित होगा। टाइगर इज एनिमी नंबर 1। तो 20 साल की सर्विस के बाद मैं इंडिया से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहा हूँ। टाइगर अपने मैसेज खत्म कर देता है ये कहकर, जिंदा रहा तो आपकी खिदमत में फिर हाजिर, नहीं तो जय। फिर शुरू होता है बिल्कुल मास एक्शन, जो आपको टीजर में ही बता देता है कि चाहे फिल्म कैसी भी हो मगर एक्शन तो ब्लॉकबस्टर रहेगा। और इस मूवी में शाहरुख खान का कैमियो देखने को मिलेगा, जो हाईलाइट है। लेकिन टीजर से पता चलता है कि शाहरुख खान का कैमियो इस पिक्चर की अकेली हाईलाइट नहीं रहेगी। इस पिक्चर में देखने को मिलेगा भरपूर एक्शन, और सूत्रों से पता चला है कि इस फिल्म के लिए सलमान भाई ने स्टोरी राइटर हायर किया था। मतलब आप इस फिल्म से कहानी की उम्मीद भी कर सकते हैं। और टीजर में ही आप कई सारे डायलॉग को सुन सकते हैं, जिस पर ताली मारने का मन करता है, जैसे कि टाइगर जब तक मरा नहीं तब तक टाइगर हरा नहीं। देखने वाली बात ये रहेगी कि रब ने बना दी चोरी और फना जैसी सॉफ्टकोर फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर मनीष शर्मा मास एक्शन वाली फिल्म को कैसे डायरेक्ट करते हैं या फिर कैसे डायरेक्ट करेंगे। तो वेल, आने वाले दिनों में टाइगर 3 के और भी अपडेट यहीं पर लेकर आएंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टाइगर का मैसेज आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपसे हम अलविदा चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।